हेलो दोस्तों, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम। एलसीएम आपको मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप सीख लेंगे तो एसएससी लेवल के जो सवाल आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यानी दोनों एक ही में आते हैं, मैं आप लोगों को वह पढ़ाऊंगा। तो पहले सबसे पहले आपको जिसको न आता हो एलसीएम वो एलसीएम सीख ले। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को डाल दिया है और ये देखिए उसका दूसरा वीडियो है। बस हम यहाँ तक पढ़ाएंगे, उसके बाद एसएससी लेवल के जो सवाल होते हैं वहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर चलेंगे। तो चलिए आप लोगों को ये मैं सिखा देता हूँ। देखिए 22 का एलसीएम क्या होता है, 22 का एलसीएम सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। मैंने आपको आपको कल उस दिन सिखाया था, आप कर भी सकते हैं, जो बच्चे कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं तो मैं उन लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए 2 करने 2 और 2 करने 2 और 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद 24 का देखिए 2 करने 2 2 4 2 3 2 6 12 2 3 6 3 करने 3 ये कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। और चलिए देखिए 28 का निकालते हैं, 28 का निकालेंगे 2 करने 2 और 2 चौके 8 2 7 14 7 करने 7 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 7 28। उसके बाद देखिए 38 का निकालते हैं, 38 का निकालेंगे, इसको 2 से निकालेंगे। देखिए 2 करने 2 इसमें यहाँ से बचा 1, तो इस 1 को हम 8 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 18 यानी देखिए 19 में पढ़ा, 2 बार पढ़ेंगे तो 38 आएगा। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यदि आपको न समझ में आता हो तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और आपको न आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एसएससी लेवल के जो सवाल आते हैं उस पर ले चलूँगा, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको इसलिए समझा रहा हूँ यदि आपको कुछ नहीं आता है इसलिए। तो देखिए 19 आ गया, तो 19 किसी के टेबल में नहीं आता है तो ये 19 हो जाएगा। अब चलिए 40 का देखिए 19 2 38 हो जाएगा। अब देखिए 40 का देखिए, मान लीजिए 2 2 4 यानी 20 2 40 होता है, कितना 20 2 40। देखिए यदि 2 से काटेंगे 2, देखिए 2 2 4 और 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 2 से करेंगे, 2 2 20 2 5 10 5 1 5 क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो अब देखते हैं, देखिए देखिए यह क्या दिया है, दिया है 48 का, 48 कैसे निकालेंगे। देखिए 48 का 2 2 4 2 4 8 2 12 2 24 यानी देखिए 2 करने 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 करने 3। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 48 कर देंगे, क्या करेंगे 48 कर देंगे। अब चलिए 45 का निकालते हैं। देखिए 45 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से करेंगे, किससे 3 से, 3 करने 3 मान लीजिए इसमें, मान लीजिए 4 रहते खांसी बचा तो इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। तो देखिए 3 5 15 हो गया, मान लीजिए 15 3 45 और 3 5 15 5 करने 5 क्या करेंगे, 2 × 3 × 5 = 45। उसके बाद देखिए 55 का देखिए, ये तो 5 बार में जाएगा, 5 1 5 और 11 तो ये हो जाएगा, 5 × 11 = कितना हो जाएगा, 11 5 55। उसके बाद देखिए 66 का निकालते हैं, 2 3 6 2 3 6 3 करने 3 यहाँ पे आपका 11 रहेगा। देखिए 3 1 3 3 1 3 11 1 11 तो देखिए 2 3 6 11 6 4 6। उसके बाद देखिए 78 का देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। देखिए 2 3 6 यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 को आप इसमें दे दीजिए कितना हो जाएगा 18। जब 18 हो जाएगा तो 2 9 18 39 आ जाएगा, और 39 को हम किससे
इससे फिर 39 होगा, इसको भाग कीजिए, देखिए तीन टेबल में आएगा, तीन थ्री के नौ, यानी 13 में 39, क्या 13 में 39, देखिए 13 में 13 कितना आ जाएगा, 78 तो चलिए आज इनसे हो गया। कल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा SSC लेवल के जो सवाल आते हैं, जो बड़े बड़े सवाल आते हैं उस पर हम चलेंगे, क्योंकि अब आप लोग छोटे बच्चों के लिए देखिए, जिसको नौ आता हो LCM वो LCM सीख लेगा, SCM भी मैंने डाल दिया है, SCM भी सीख लेगा। अब हम चलेंगे SSC लेवल के जो सवाल आते हैं SCM LCM एंड HCM मैं वो अब पढ़ाऊंगा। तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम कल मिलेंगे आप लोगों को, HCM एंड LCM दोनों एक ही साथ, उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे सूत्र लिखवाऊंगा और आप लोगों को सवालों को हम करूंगा। तो आप लोग देखिए घबराइए मत, आप धीरे धीरे सीखिए, कंसेप्ट को धीरे धीरे से सीखिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।